यूक्रेन फ्रांस के बीच डिफेंस डील पर यह खबर सामने आई है। यूक्रेन को फ्रांस से अब मिल सकता है मिराज 2000। यह बड़ी खबर है क्योंकि अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसके संकेत दिए हैं। फ्रांस में यूक्रेनी पायलट्स को ट्रेनिंग को लेकर भी बड़ी खबर है। फिलहाल बातचीत शुरुआती स्तर पर बताई जा रही है, लेकिन यह एक सबसे बड़ी हकीकत है कि किस तरीके से फ्रांस इससे पहले भी यूक्रेन को हथियारों के तौर पर बड़ी मदद दे चुका है। और इस बीच मिराज 2000 को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि अब मिराज 2000 विमान भी मिल सकते हैं यूक्रेन को। हालांकि इसकी ट्रेनिंग को लेकर जिस तरीके से बातचीत जारी है, बड़ी खबर आई है फ्रांस में यूक्रेनी पायलट्स की ट्रेनिंग को लेकर। डिटेल इस बारे में आपके सामने, क्योंकि अब युद्ध के इस हालात में यूक्रेन को मिराज 2000 फाइटर जेट मिलने से कितना खतरनाक साबित होता है ये मिराज 2000, यही समझिए। हालांकि इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर पर आवर की बताई जाती है और 13,800 किलो का ये वॉरहेड रखने में सक्षम है। साथ ही 145 किलोमीटर इसकी स्कैनिंग रेंज है, जबकि इसका वजन 7,500 है। इसके अलावा इसकी कीमत करीब $30 मिलियन की है। उड़ान के लिए महज 400 मीटर रनवे की ही जरूरत पड़ती है। और चौथी पीढ़ी का मल्टीरोल फाइटर जेट युद्ध के इस हालात में यूक्रेन को किस तरीके से मदद पहुंचाएगा, यही सबसे बड़ी खबर है। क्योंकि फ्रांस के साथ हो रही इस डील के तहत मिल रही ट्रेनिंग को लेकर जेलेंस्की की तरफ से ही ये संकेत मिले हैं। चौथी पीढ़ी के मल्टीरोल फाइटर जेट उड़ान के लिए महज 400 मीटर रनवे की इसकी जरूरत और इसकी रफ्तार 2000 किलोमीटर पर आवर, जबकि इसका वॉरहेड ले जाने की क्षमता 13,800 किलो और 145 किलोमीटर की इसकी स्कैनिंग रेंज और कीमत करीब 30 बिलियन। अब आपके सामने डिटेल है कि किस तरीके से रूस के अंदरूनी इलाकों में स्ट्राइक के तहत ये मिराज 2000 यूक्रेन को फायदा पहुंचा सकते हैं। हालांकि यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स को इससे प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा, लेकिन रूसी Su-34 से मिराज 2000 की सीधी टक्कर भी क्या संभव है, यही सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अब मनीष, महत्वपूर्ण है यह समझना कि किस तरीके से युद्ध का दायरा बढ़ता जा रहा है। अभी अभी हमने खबर दिखाई किस तरीके से दायरा इतना बढ़ चुका है कि रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर भी अब बैक टू बैक अटैक हुए हैं। क्या डिटेल इस बारे में, और साथ ही आगे आपसे मैं चर्चा करूंगी कि अब फ्रांस के साथ यूक्रेन की हथियारों को लेकर ये जो डील हो रही है, क्या ये माना जाए कि यही एक सबसे बड़ी वजह है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की मांग हमेशा जेलेंस्की करते आए हैं। देखिए सुरभि, जहां तक सवाल है न्यूक्लियर रिएक्टर पर अटैक करने की है, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चिंता की बात पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले तो अगर यूक्रेन, जिसने कि पिछले 3 दिन में 2-2 बार अटैक करने की कोशिश की है, अगर उसे कामयाबी मिलती है तो कितनी बड़ी तबाही होगी। रूस यूक्रेन बॉर्डर पर स्थित कुर्चतोव न्यूक्लियर पावर प्लांट में वो किसी भी रिएक्टर पर अगर हमला करने में वो कामयाब हो सकते हैं, तो ना सिर्फ वो रूस और यूक्रेन के लिए बल्कि यूरोप के बहुत सारे देश तक इसका असर पड़ेगा। लेकिन इससे अलग अगर आप देखें तो दरअसल यही वो क्रेमलिन की रेड लाइन है कि आप उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला करेंगे और वैसी स्थिति में रूस फिर अपने परमाणु हथियारों के भंडार में से परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा और फिर पूरी दुनिया के लिए तबाही होगी। मुझे लगता है कि ये जेलेंस्की का सबसे दुस्साहसिक भरा कदम है और ऐसे मामले में उनके समर्थक देश भी उन्हें समझाने चाहिए कि आप ये जो कर रहे हैं ये सुसाइड है, एक बहुत बड़ा सुसाइड है, क्योंकि इसके बाद फिर आप क्रेमलिन को क्यों परी परमाणु बम के अटैक करने से कैसे रोक सकते हैं। लेकिन मनीष, हम इस बारे में चर्चा भी कर रहे थे, इस पूरे रीजन के बारे में, कुर्स के रीजन के बारे में, कुर्स न्यूक्लियर प्लांट, कुर्स्तोव का ये इलाका जो कि यूक्रेन बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक बताया जा रहा है। अब इस बारे में फिलहाल क्या खबर मिल पा रही है कि अब सीधा अटैक और टारगेट रूस का ये न्यूक्लियर प्लांट है? देखिए, मैं खुद ही उस इलाके में जा चुका हूँ, कुर्स्क में। आपको याद होगा कि 1.5 साल के इस जंग में रूस के जो कुछ टेरिटरी है जहां पर लगातार हमले होते आए, उसमें से एक कुर्स्क है। कुर्स्क, बेलगोरोद और ब्रियांस्क, ये वो इलाके हैं जो रूस का मेन टेरिटरी है और रूस यूक्रेन बॉर्डर पर है, खार्किव के साथ सटा हुआ इलाका है। लगातार वहां पर यूक्रेन की तरफ से हमले होते आए थे। नया बस यह है कि अब यूक्रेन सीधे सीधे कुर्स्क में मौजूद उस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक कर रहा है। 3 दिन के भीतर 2-2 बार अटैक, ड्रोन भेजा गया, वो तो भला हुआ कि रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे मार गिराया। सोचिए अगर वो कामयाब होता तो, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पर बंद नहीं है, वो ऑपरेशनल है, उसके 3 यूनिट वहां पर काम कर रहे हैं, 3,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता है। अगर उसमें परमाणु किसी भी रिएक्टर पर आप अटैक करते हैं तो भारी तबाही हो सकती है, चेर्नोबिल से भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी तबाही के अंदेशे को देखते हुए अब रूस किस तरीके से अपने फाइटर जेट्स को भी और घातक बनाने की कोशिश कर रहा है। अगली बड़ी खबर हमारे पास है, आपके पास आती हूं मनीष, क्योंकि रूस फाइटर जेट Su-34 को और घातक
बना रहा है। Su-34 में किंजुल मिसाइल लगाई गई है और किंजुल के साथ Su-34 को वॉर जोन में उतारने की इस योजना के तहत यह खबर है। हालांकि किंजुल रशिया की हाइपरसोनिक एरो बैलिस्टिक मिसाइल है जो MiG-31 के फाइटर इंटरकॉप्टर से भी लेस है और इसे ग्राउंड और नेवल टारगेट्स हिट करने के लिए जिस तरीके से डिजाइन किया गया है कितनी घातक है ये किंजुल मिसाइल और इसको अगर अपग्रेड करते हुए इसको डिप्लॉय किया जाता है युद्ध के इस मैदान में इसका इस्तेमाल होता है तो कितना विनाशक साबित होगा। इस बारे में चर्चा करने से पहले इसी के बारे में डिटेल आपके सामने कि आखिर कितनी घातक है किंजुल मिसाइल। इसकी रेंज भी 2000 किलोमीटर बताई जा रही है जबकि स्पीड है 12,250 किलोमीटर पर आवर और साथ ही इसका पेलोड 480 किलो जबकि कीमत 46 करोड़। हालांकि न्यूक्लियर हथियारों से ये लेस है और एआई से फैसला लेने में भी सक्षम है लेकिन महत्वपूर्ण है कि स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए किस तरीके से इसका अब युद्ध में इस्तेमाल हो सकता है और कैसे हम इसे एक सुपर डेडली कॉम्बिनेशन कह रहे हैं इसका इस्तेमाल आखिर होगा कैसे ये समझना भी बहुत जरूरी है क्योंकि घातक किंजुल मिसाइल के बारे में तो आपने जान लिया लेकिन ये साफ है कि रूसी अटैक का दायरा कई गुना अब बढ़ जाएगा और महत्वपूर्ण है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जा सकता है और हवा से जमीन या समुद्र कहीं भी अटैक संभव है। नेटो देशों पर भी दबाव अब रूस डाल सकता है। मनीष, नेटो देशों पर दबाव और साथ ही न्यूक्लियर थ्रेट कैसे देख रहे हैं आप इसे? बिल्कुल सुरभि, देखिए किंजुल वो मिसाइल है जिसे किसी भी रडार के जरिए आप ट्रैक नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है कि Su-34 में किंजुल मिसाइल को जोड़ने के पीछे पर्पस ये है कि अभी हम अपने दर्शकों को खबर दिखा रहे थे कि कैसे फ्रांस में इनकी डील हुई है ताकि मिराज में ट्रेनिंग दी जा सके लेकिन मुझे लगता है कि Su-34 में किंजुल मिसाइल को लगाया गया है F-16 का काउंटर करने के लिए क्योंकि चाहे मिराज हो या F-16 हो आप यूक्रेन के एयरबेस से उसे नहीं फ्लाई कर सकते हैं। वैसी स्थिति में नाटो देश के ही एयरबेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और रूस को यह लगता है कि यही आगे होने वाला है इसीलिए वैसी स्थिति में रूस अपने किंजुल मिसाइल के जरिए उन नाटो देशों पर सीधे हमला करेगा। अब आप सोचिए अगर रूस ने नाटो देशों के एयरबेस पर हमला किया किंजुल मिसाइल के जरिए उतनी मारक घातक क्षमता के जरिए तो फिर क्या होगा? सीधे सीधे रूस और नाटो के बीच परमाणु युद्ध से कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि अब उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अटैक की बात हो या F-16 देने की बात हो या मिराज की बात हो, मैं एक बात और जोड़ दूं, रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि F-16 या मिराज जैसे जो फाइटर जेट है वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है तो अगर उनका इस्तेमाल हुआ तो हम ये मानकर चलेंगे कि अब हमें भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि खतरे की कितनी बड़ी बात है। हालात पर नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीषा।